अभी तक आपने मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल देखा, आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक का संपूर्ण इतिहास मध्य प्रदेश के अंतर का, और उसके बाद मौर्योत्तर काल से हम आपको अगले लेक्चर में उसे डिटेल करेंगे। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो पहला सवाल आता है आपके एग्जाम में, वो आता है प्राचीन नाम से संबंधित, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम से संबंधित। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो वर्तमान नाम या कह सकते हैं उज्जैन, वर्तमान में जो आप उज्जैन देखते हैं, उज्जैन का पहले नाम था उज्जैनी, उज्जैनी और अवंती भी नाम था इसका, उज्जैनी या अवंती, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद भोपाल, भोपाल का प्राचीन नाम था भोजताल, भोपाल का नाम था भोजताल और भोजताल को ही आगे चल करके भोपाल में बदल दिया गया। सोहागपुर, भोपाल तो समझ में आ जाएगा, उज्जैनी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर सोहागपुर का प्राचीन नाम आता है तो शायद है कि आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखिएगा सोहागपुर का प्राचीन नाम था विराटपुरी। सोहागपुर कौन सा वाला? कोयले के लिए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, शहडोल जिले में स्थित है। तो सोहागपुर का पुराना नाम था विराटपुरी, कहीं से भी इसमें संबंध नजर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। उसके बाद आती है बात महेश्वर की, महेश्वर का प्राचीन नाम था महिष्मती, महेश्वर का प्राचीन नाम था महिष्मती। बात आती है इंदौर की, इंदौर का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। धार का पुराना नाम था धारानगरी, जो कि राजा भोज की राजधानी थी। रीवा का पुराना नाम था भथा, इसमें भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो तीन, एक रीवा, रीवा का प्राचीन नाम था भथा, सोहागपुर का प्राचीन नाम था विराटपुरी, और सतना का प्राचीन नाम था अनचेहरा, या कहीं कहीं पर आपको उनचेहरा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो तीन ऐसे क्षेत्र है, तीन ऐसे स्थान है जिनके प्राचीन नाम इससे बिल्कुल भी रिलेटिव रिलेशन नहीं रख रहे हैं। सोहागपुर का प्राचीन नाम था विराटपुरी, रीवा का प्राचीन नाम था भथा, सतना का प्राचीन नाम था उनचेहरा या अनचेहरा। कंप्लीट। इस तरह से प्राचीन नाम और वर्तमान नामों की एक श्रृंखला थी जिसे आपको याद रखना है। और भी है शिवपुरी, यहाँ पे लिखा नहीं है, शिवपुरी जो आप पढ़ते हैं उसका प्राचीन नाम था नरवर, शिवपुरी का प्राचीन नाम था नरवर। अब हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के वैदिक काल से, या वैदिक काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या था स्पेशल जिस वक्त उत्तर भारत में आर्य आए। तो देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं और वैदिक काल को पढ़ते हैं, वैदिक काल का आप टाइम पीरियड देखते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच आप वैदिक युग पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत आप दो काल पढ़ते हैं। पहला काल पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल वह काल जहां पर ऋग्वेद की रचना की गई, और इसका काल अगर देखा जाए तो वो था 1500 से 1000 बीसी का। उसके बाद आप पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वह काल है जहां पर अन्य तीन ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग वैदिक काल में, लेकिन अन्य तीन जो वेद थे उनकी रचना हुई उत्तर वैदिक काल में ऐसा माना जाता है, और इसका कार्यकाल 1000 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो ऋग्वेदिक काल था, अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो हम ये बातें हैं, साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक काल के दौरान जो आर्य आए थे भारत में, उन आर्यों ने केवल उत्तर भारत में ही अपनी संस्कृति बनाई, उन्होंने दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं किया था, वो केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रह गए थे। इस कारण से ऋग्वेदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, केवल उत्तर भारत में चूंकि सीमित रह गए थे। उसके बाद अगर ऋग्वेदिक काल में, उसके बाद अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के दौरान 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच जो आर्य थे उन्होंने विंध्याचल को पार किया, और विंध्याचल को पार करके उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया। और एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और इस ब्राह्मण ग्रंथ में एक जनजाति, एक जाति का
उल्लेख मिलता है उसका नाम है निषाद जाति। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः ऐतरेय ब्राह्मण में जो उल्लेखित निषाद जाति है उसका निवास मध्य प्रदेश के ही जंगलों में था। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही बहुत अधिक वन थे तो मध्य प्रदेश के जंगलों में ही इस निषाद जाति का निवास स्थान था। इस तरह से आपने देखा वैदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रतीत नहीं होता, परंतु उत्तर वैदिक काल के दौरान माना जाता है कि आर्य विंध्याचल को पार करके मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित निषाद जाति जो थी वो मध्य प्रदेश के ही जंगलों में रहती है, ऐसा माना जाता है। कंप्लीट वैदिक काल के अंतर्गत एक काल आपने पढ़ा होगा, उसे कहा जाता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल जिसके की अंतर्गत आप पढ़ते हैं महाभारत, दो महाकाव्य महाभारत और रामायण। तो महाकाव्य काल के अंतर्गत अगर हम रामायण की बात करें, रामायण के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को राम भगवान के दर्शन चित्रकूट में हुए थे। तुलसीदास को राम जी के दर्शन चित्रकूट में हुए थे, मतलब मध्य प्रदेश में हुए थे। उसके बाद यह माना जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण एवं सीता जी ने अपने वनवास का अधिकांश समय बस्तर के जंगलों में दंडकारण्य में बिताया था। यहाँ पे घने जंगल थे जो कि वर्तमान बस्तर में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को भगवान राम ने चित्रकूट में दर्शन दिए थे, साथ ही भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य में बिताया था। हालांकि वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है लेकिन हम मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत मानकर पढ़ रहे हैं इसको। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इन्हीं जंगलों में दंडकारण्य की इन्हीं जंगलों में माता सीता को रावण ने इन्हीं जंगलों में पकड़कर ले गया था, इन्हीं जंगलों से। ठीक है, तो ऐसा क्या माना जाता है कि दंडकारण्य की इन्हीं घने जंगलों में ही रावण आता है और उन्हें सीता माता का अपहरण कर लेता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो उस समय रावण की लंका रही होगी, ऐसा साक्ष्यों से मिलता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, जो रावण की लंका रही होगी उस समय वो संभवतः जबलपुर या फिर अमरकंटक के आसपास रही होगी। रावण की लंका संभवतः जबलपुर या अमरकंटक के आसपास रही होगी। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि टोंस नदी के तट पर स्थित था वाल्मीकि आश्रम, और इसी वाल्मीकि आश्रम में सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया, तो इस तरह से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त होते हैं महाकाव्य काल के अंतर्गत। एक बार फिर से सुन लेंगे, तुलसी ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन चित्रकूट में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य के घने जंगलों में बिताया था। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं जंगलों से रावण ने सीता का अपहरण किया था। श्रीलंका रावण की लंका उस समय संभवतः जबलपुर या फिर अमरकंटक के आसपास रही होगी। टोंस नदी के तट पर था एक वाल्मीकि आश्रम और इसी वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया। रामायण काल के पश्चात आता है महाभारत काल। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में वर्तमान के बघेलखंड एवं बुंदेलखंड ने राज्यों ने ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में वर्तमान बघेलखंड एवं बुंदेलखंड राज्यों ने पांडवों का साथ दिया था साथ ही अवंती, महिष्मती तथा विदर्भ जैसे राज्यों ने कौरवों का साथ दिया था।
अवंती, महिष्मति तथा विदर्भ जैसे राज्यों ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के प्रमुख अगर नगरों की बात की जाए तो वो थे उज्जैनी, उज्जैनी, महिष्मति, विरमटपुरी। ये तीन नगर महाभारत कालीन प्रमुख नगर माने जाते हैं। तो इस तरह से महाकाव्य काल के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश में अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 600 बीसी में हम आते हैं और हम पाते हैं कि 600 बीसी में महाजनपद काल का उदय होता है। अब महाजनपद काल का जो उदय होता है उसके कारण मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रभाव देखने को मिले ये देखते हैं। महाजनपद काल समय क्या था? 600 बीसी या छठी शताब्दी ईसा पूर्व। 600 बीसी या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे कुछ परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपदों का उदय होता है जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध रहता है, मगध साम्राज्य। और इन 16 महाजनपदों में दो महाजनपद वर्तमान के मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं। इन 16 महाजनपदों में दो महाजनपद वर्तमान के मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं, जिनमें से पहला था चेरी महाजनपद। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उपस्थित थे? तो मध्य प्रदेश में 16 में से दो महाजनपद उपस्थित थे। पहला तो है चेदी महाजनपद और दूसरा है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद, अगर हम बात करें चेदी महाजनपद की, तो ये जो चेदी महाजनपद है इसकी एक एक लाइन महाजनपद काल में जो जो मैं बता रही हूं इसका एक एक पॉइंट आपको रट लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चेदी महाजनपद है माना जाता है कि ये वर्तमान के बुंदेलखंड में रहा होगा। वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह रहा होगा। इसकी राजधानी थी चेदी महाजनपद की शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान जो मध्य प्रदेश में स्थित पहला महाजनपद था वो था चेदी महाजनपद। वर्तमान बुंदेलखंड में इसका एरिया माना जा सकता है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो वो थी शक्तिमती। और ये माना जाता है काफी शक्तिशाली था चेदी महाजनपद भी। और ये माना जाता है कि चेदी महाजनपद की एक दूसरी शाखा जा करके कलिंग में बस गई थी। ये जो कलिंग वाली शाखा है ये चेदी महाजनपद की ही दूसरी शाखा मानी जाती है। तो दूसरी शाखा कहां पर बस गई थी? जाकर के कलिंग में बस गई थी। कलिंग कहां पर है? कलिंग है वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में। वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में यह हाथियों के लिए यह राज्य जाना जाता था। तो यह चेदी महाजनपद की दूसरी शाखा कलिंग में जाकर के बस गई थी। और इस दूसरी शाखा का प्रमुख जो शासक था बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खारवेल। आपके कभी कभार मेंस में भी पूछ सकता है। कंप्लीट। तो चेदी महाजनपद की दूसरी शाखा थी कलिंग में और जो कि उड़ीसा में, और इसका प्रमुख शासक था खारवेल। तो इस तरह से आपने चेदी महाजनपद के में देखा कि वर्तमान बुंदेलखंड में स्थित था, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद धीरे धीरे चेदी महाजनपद जो है वह कमजोर पड़ता चला गया और आगे चलकर नंद वंश का एक शासक था, उसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर चेदी महाजनपद को मगध में मिला दिया। इन मतलब ये पहले से स्वतंत्र महाजनपद था एक, लेकिन बाद में कमजोर होता गया और इसी कमजोरी का लाभ उठाया नंद वंश के एक शासक महापद्मानंद ने, और महापद्मानंद ने चेदी को मिला लिया उसके बाद मगध में। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में मौजूद थे। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान इसकी लोकेशन क्या है, किस क्षेत्र में स्थित था? तो बुंदेलखंड में। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी शक्तिमती। दूसरी शाखा इसकी कहां पर थी? कलिंग में, जो कि उड़ीसा में। इसका प्रमुख शासक था खारवेल। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो चेदी महाजनपद था इसे मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो इसकी कमजोरी का लाभ उठा करके नंद वंश के एक शासक महापद्मानंद ने चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था।
ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे महाजनपद की बारी आती है जो है अवंती। ये जो अवंती महाजनपद था इसकी भी दो शाखाएं थी, एक थी उत्तरी अवंती, एक थी उत्तरी अवंती और एक थी दक्षिणी अवंती। एक थी उत्तरी अवंती और दूसरी थी दक्षिणी अवंती। ये जो उत्तरी अवंती थी, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मति। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मति। दोनों राजधानियां पूछी जाती है। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मति। महेश्वर वाला जो पोर्शन था, जो वर्तमान आप खंडवा पढ़ते हैं, तो वो वाला पोर्शन जो था वो इस दक्षिणी अवंती के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जो अवंती थी, एक एक पॉइंट मैंने बोला, एक एक पॉइंट इनका आप समझ के रखिएगा। जो अवंती थी, अवंती का प्रमुख एक शासक था, उसका नाम था चंड प्रद्योत। अवंती का एक बहुत ही प्रमुख शासक था, उसका नाम था चंड प्रद्योत। बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक था, हाथी कला में ये निपुण था। हाथियों की कला में आग आई कॉन्टेक्ट करके ही ये क्या करता था, हाथियों को अपने अनुसार वो चला सकता था। तो चंड प्रद्योत हाथी कला में निपुण था, अत्यंत शक्तिशाली शासक था। यहाँ तक कि मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो भी चंड प्रद्योत से भयभीत होते थे। और यही कारण है कि चलिए पहले दूसरा पॉइंट बता देती हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगी। और जो चंड प्रद्योत था ये बिंबिसार के समकालीन माना जाता है। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था, तो चंड प्रद्योत बिंबिसार की शासन समकालीन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चंड प्रद्योत से बिंबिसार भी डरता था और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए चंड प्रद्योत को हमेशा खुश करने की कोई ना कोई तरकीब सोचता रहता था। तो माना जाता है कि एक बार चंड प्रद्योत बहुत बीमार पड़ गया, तो इसी स्थिति का लाभ उठाया बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, तो जीवक को उसने चंड प्रद्योत को स्वस्थ करने के लिए उज्जैनी या अवंती में भेजा था। तो इस तरह से चंड प्रद्योत और बिंबिसार के जो संबंध थे वो मधुर हो गए थे। लेकिन बिंबिसार के बाद जब अजात शत्रु आता है, तब भी चंड प्रद्योत जीवित था, लेकिन अजात शत्रु भी इससे बहुत भयभीत होता था और संबंध भी इतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र नामक एक नगर था जो आसपास, वहां पर बहुत बड़े बड़े इमारतें इसने बनवाई थी केवल अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, और वो भी किससे रक्षा के लिए? चंड प्रद्योत से। तो इस तरह से आपने देखा चंड प्रद्योत के बारे में, और जो कि अवंती का एक प्रमुख शासक था। अंततः चंड प्रद्योत की जब मृत्यु हो जाती है, इसके जब उत्तराधिकारी आते हैं, तो धीरे धीरे अवंती की भी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। और अंततः अवंती को एक शासक था, उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग वंश का ही एक शासक था, उसका नाम था शिशुनाग। तो अंततः शिशुनाग जो है वह अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो याद रखिएगा, चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य में महापद्मानंद के द्वारा मिलाया गया था, जबकि अवंती महाजनपद को मगध महाजनपद में शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था। यह हो जाता है महाजनपद काल। अब महाजनपद के आगे हम देखेंगे मौर्य काल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था आपके लिए वो महाजनपद ही था, चाहे वो चेदी हो और फिर चाहे वो अवंती हो। अब बारी आती है मौर्य काल की। अच्छा, आपको हायरार्की तो पता होगी, हायरार्की तो पता होगी ना। सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ते हैं हम, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हर्यक वंश के बाद हम शिशुनाग वंश पढ़ते हैं, शिशुनाग वंश के बाद हम नंद वंश पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्य वंश, उसके बाद हम पढ़ते हैं शुंग वंश, शुंग वंश के बाद हम पढ़ते हैं कण्व वंश, और कण्व के बाद पढ़ते हैं हम सातवाहन वंश। तो ये हायरार्की आपको याद होगी, ये हिस्ट्री के है। तो हमने हर्यक में देखा, बिंबिसार को देखा, अजातशत्रु को देखा, वो हर्यक से ही संबंधित है। शिशुनाग के बारे में देखा, नंद वंश के अंतर्गत हमने महापद्मानंद को देखा, जिसने की चेदी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम देखेंगे मौर्य वंश, मौर्य काल के बारे में देखेंगे। तो मौर्य काल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो था वो ये था, बिंदुसार था एक शासक, चंद्रगुप्त का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र था, उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का एक पुत्र था, उसका नाम था सम्राट अशोक।
जिससे सभी लोग परिचित होंगे। तो जब बिंदुसार मगध का शासक था उस समय बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया था। पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले अशोक किस एरिया का, किस क्षेत्र का प्रांतपति था? आंसर क्या हो जाएगा? अवंती का ये प्रांतपति था। अब चूंकि अवंती का प्रांतपति था तो अशोक ने अवंती के ही एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया था और उस अशोक की पत्नी का नाम था महादेवी। महादेवी से उसने विवाह किया था। महादेवी भी उसी क्षेत्र की थी और महादेवी से उसे दो संतानों की प्राप्ति हुई थी, एक संघमित्र और दूसरा महेंद्र, जिसे अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उसने श्रीलंका में भेजा था, याद होगा आपको। तो इस महादेवी से ही उसे दो संतानों की प्राप्ति हुई थी, संघमित्र और महेंद्र। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अशोक ने सांची में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है, अशोक ने सांची में बनवाया था एक स्तूप, सांची का स्तूप जिसे कहा जाता है। और इस स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया था। तो अशोक के द्वारा यह बनवाया गया था सांची में। सांची वर्तमान में रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और उसी के और अशोक ने जो स्तूप बनवाया था उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि संभवतः उज्जैन में अशोक ने महादेवी के लिए वैश्य टेकरी का भी निर्माण करवाया था। और अशोक के बहुत सारे शिलालेख, लघु शिलालेख भी मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक से संबंधित एक एक तथ्य बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो अशोक के कुछ शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लघु शिलालेख है ये। कौन कौन से हैं? एक प्राप्त होता है रूपनाथ है जबलपुर में। दूसरा प्राप्त होता है गुर्जरा या गुजर्रा भी कहा जाता है, और ये गुर्जरा या गुजर्रा है दतिया में। गुजर्रा की खास बात यह है कि अशोक के नाम का ये पहला अभिलेख था, इसमें अशोक का नाम दिया हुआ है, प्रियदर्शी राजा करके नाम दिया हुआ है। तो गुर्जरा कहां से मिला है? दतिया से मिला है। एक है सारोमारो। जो सारोमारो शिलालेख है ये मिला है सहडोल से। अगला है सांची, ये तो स्तूप है और ये आपको पता है, अभी मैंने बताया, ये मिला है रायसेन से, है ना, इसकी स्थापना की गई है रायसेन से। अब चूंकि सांची को विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत भी शामिल किया गया है तो सांची के स्तूप के बारे में चीजें जान लेते हैं। सांची स्तूप, तो पहली चीज, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप में तीन स्तूप हैं और इन तीन स्तूपों में एक महास्तूप है या एक बड़ा स्तूप है और दो छोटे स्तूप हैं और एक महास्तूप है। जो महास्तूप है इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के अवशेष, जो दूसरा छोटा वाला स्तूप है इसका, उसमें अशोक कालीन धर्म के कुछ साक्ष्य रखे हुए हैं, मिलते हैं। अशोक कालीन धर्म के कुछ साक्ष्य रखे हुए हैं। जबकि जो तीसरा अवशेष है, जो तीसरा स्तूप है, उसमें बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोगलायन, ये महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य थे। तो तीसरे स्तूप में सारिपुत्र और महामोगलायन के दंत अवशेष रखे गए हैं।
तो इस तरह से तीनों स्तूपों में अलग अलग चीजें, पहले में तो बुद्ध के अवशेष, दूसरे में अशोककालीन धर्म के अवशेष तथा तीसरे में शारीपुत्र एवं महामोगलायन के दंत अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। इन महास्तूपों का निर्माण किया गया है ईंटों से। और आगे भी हम हालांकि शुंग वंश में पढ़ेंगे, तो जो सांची का स्तूप है इसके चारों ओर जंगले का निर्माण शुंग काल के दौरान किया गया है। तो ये रही आपके वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक की सभी घटनाएं या सभी विशेषताएं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसकी एक एक लाइन आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा क्योंकि बहुत कॉमन सी चीजें। अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर काल से और फिर आगे जहां तक भी हो पाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।